हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं शालू और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बनाने की रेसिपी। तो फटाफट से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, इसे बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी बारीक काट लेना है। 3-4 लहसुन और 1 इंच अदरक काट के ले ली है मैंने यहाँ पे। 3-4 हरी मिर्च, इन्हें भी बारीक काट लेना है। नमक स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। 1 टेबलस्पून जीरा, चुटकी भर हींग, 1/2 टेबलस्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। 3-4 खड़ी गार्लिक ली है मैंने, बस इसे छील लिया है। 2 खड़ी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून के करीब घी, और यहाँ पे मैंने तुअर की दाल ले ली है। इसे 1 घंटे फुला के रखा था। कई लोग इसे अरहल की दाल, येलो दाल भी कहते हैं, तो आप जो भी कहते हैं ये ले लेना है आपको। 1 घंटे फुला के रख देना है धुल के। इसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, ये भी लगभग 2 टेबलस्पून के करीब लगेगा। अब हमें दाल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके इसमें कुकर चढ़ा दिया है और इसमें जो दाल हमने फुला के रखी थी वो डाल देना है। इसके बाद मैं इसमें 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसमें डाल देंगे खड़ी गार्लिक जो मैंने ली थी 3-4, हल्दी पाउडर और नमक। नमक मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून के करीब लिया है। इसके बाद इसे पका लेना है। 3-4 सीटी लगानी है मीडियम फ्लेम पे। जब तक हमारी दाल हो रही है तब तक हम यहाँ पे दाल फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा। जीरे को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिंच ऑफ हींग। हींग डालने के बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन डाल दूंगी जिसे मैंने काट के रखा था। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई जो मैंने रखी थी वो। अच्छे तरीके से चलाते हुए सबको एक साथ भून लेना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन करना है हमें यहाँ पर। जब प्याज अच्छी तरीके से हमारी भुन जाएगी इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी थी वो। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ी बाद में इसलिए डाली है क्योंकि पहले से डाल दो तो इसमें थोड़े ठसके लगने लगते हैं हरी मिर्च डालने के बाद। बाकी आप अगर चाहें तो प्याज के साथ भी डाल सकते हैं। अब अच्छे तरीके से हमारी प्याज जब हो जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। अब इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक। जितना नमक बचा था सारा मैंने ऐड कर दिया। मैंने टोटल 1 टेबलस्पून के करीब नमक लिया था। अब इसे ढक के पका लेंगे। टमाटर को पकते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। अच्छे तरीके से हमारे टमाटर गल गए हैं और इनसे ऑयल भी अलग होने लग गया है। तो बस इस पॉइंट पे अब हमें इसमें ऐड कर देना है जो उबाल के हमने दाल रखी हुई थी वो। इसके बाद सारी चीज़ों को मिला के अच्छे तरीके से चला लेंगे और 1 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे। दाल को पकते 1 मिनट हो गया है, इसमें अच्छा बॉईल भी आ गया है। अब हमें इसे गैस से नीचे उतार लेना है और अब हम तैयारी करेंगे तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल लूँगी। घी को अच्छे तरीके से गरम हो जाने देंगे। घी गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा हो जाने के बाद मैं इसमें लाल खड़ी मिर्च डाल दूंगी और गैस बंद करके इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल के ये तड़का हम दाल में डाल देंगे। और बस हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे जीरा राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ, रोटी के साथ या फिर जैसे आपका दिल करे आप वैसे इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।